हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आपके साथ हम बात कर रहे हैं आपके दैनिक राशिफल को लेके और साथ ही आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे और बताना चाहते हैं कि ये पंचांग जिसकी जानकारी हम देने जा रहे हैं आपको और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 24 अप्रैल सन 2022 दिन रविवार संवत 2079 का है। हिंदी का महीना वैशाख का महीना है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, तिथि है नवमी और नक्षत्र श्रवण, योग होगा शुभ और करण रहेगा तैतिल और राशि होगी मकर, यानी कि चंद्रमा जो है आज पूरे दिन मकर राशि में ही संचार करने वाले हैं। राहु काल की समय अवधि कुछ इस प्रकार है, शाम 5:15 से लेकर शाम 6:51 तक और इस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि इस प्रकार है, दोपहर 12:01 से लेकर के दोपहर 12:49 तक और इस समय अवधि में आप अपने शुभ कार्य संपन्न आज कर सकते हैं। साथियों, पंचक प्रारंभ हो रहे हैं 25 अप्रैल की प्रातः 5:30 से और बुध ग्रह जो हैं वो वृषभ राशि में उनका प्रवेश होने जा रहा है रात्रि 12:20 पर आज। तो ये थी पंचांग के विषय में जानकारी। अब हम आपके साथ बात करेंगे दैनिक राशिफल को लेके और ये जो दैनिक राशिफल है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ग्रहों की जो गोचर में वर्तमान में स्थिति चल रही है उसी पर आधारित है ये। तो आइए आरंभ करते हैं दैनिक राशिफल और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। देखिए, कठिनाइयों का सामना आज के दिन आपको थोड़ा बहुत जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं आपने अपना कम करना है, हौसला बना के रखना है और अपने इच्छा के मुताबिक रिजल्ट्स पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर आपको करनी चाहिए और करनी पड़ेगी भी, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। इन नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। देखिए, जो भी जीवन में जो हमारे सामने कठिन चैलेंजेज आते हैं या नाकामियां आती हैं, उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। वो हमें आगे आने वाले समय के लिए ये हमें सिखाते हैं कि अब आगे हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरीके से चीज़ों को फेस करना है, हमें सिखाते हैं, हमें सीखने को मिलता है उनसे, ताकि हम आने वाले समय में वो गलतियां ना होने पाएं जो अभी हमसे हुई हैं हाल फिलहाल में और हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। तो ये नाकामियां ही जो होती हैं साथियों, ये तरक्की का ही बेस होती हैं आने वाले समय के लिए। तो और मुश्किल घड़ी में आपके जो अपने रिलेटिव्स हैं वो आपके काम आ सकते हैं, आपको कमीशन या कोई जैसे लाभांश वगैरह होता है, डिविडेंड इत्यादि, रॉयल्टी के जरिए आपको धन का कुछ फायदा हो सकता है और आपका जो एक तरीके से जो आपकी केयरलेसनेस है ये थोड़ा आपको नुकसान पहुंचाएगी, इसको आपको दूर करना चाहिए और ये इसके कारण से आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की तकलीफ हो सकती है। कोई भी नई परियोजना आप कोई प्लानिंग अगर बना रहे हैं उसको शुरू करने से पहले आप दूसरों की भी राय जरूर जान लें कि भाई मैं इस प्रकार की प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरी ये मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, ये कितना सही रहेगा कितना गलत रहेगा। देखिए साथियों, मोहब्बत का सफर प्यारा मगर छोटा रहेगा आज के दिन। जीवन साथी की किसी बात को आप गंभीरता से ना लेने की स्थिति में, अगर आप नहीं ले रहे हैं गंभीरता से अपने जीवन पार्टनर लाइफ पार्टनर की बात को सीरियसली, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रावर्सी हो सकती है। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। उपाय आप कर सकते हैं, गौशाला में 1.25 किलो जौ दान में देने से पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए है आज केसरी। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन, तो साथियों तरोताजा रहने के लिए अगर आप चाहते हैं एकदम फ्रेश रखना अपने आप को, तो आपको उसके लिए थोड़ा बहुत आराम जरूर करना चाहिए। सारा समय काम में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत शरीर को भी आराम मिलना जरूरी है और लंबी
अवधि के मुनाफे के नजरिए से अगर आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड आदि में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा सौदा, मतलब एक अच्छा फायदेमंद सौदा साबित होगा आपके लिए। अपने पुराने जो परिचित हैं, आपके मिलने जुलने वाले लोग हैं, और पुराने रिश्तों को फिर से तरोताजा करने के लिए भी दिन आज का आपके लिए बहुत उपयुक्त है। देखिए, विवाह प्रस्ताव के लिए भी ये सही समय है, मैं तो यही कहूंगा। अगर कहीं से कोई मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं, प्रपोजल्स आपके लिए, आप में से कुछ के लिए या सबके लिए, जो भी लोग हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बहुत उचित समय है इस कार्य के लिए। जो भी अभी अनमैरिड लोग हैं और उनके जीवन में इस प्रकार के अगर कोई प्रपोजल आ रहे हैं, बातचीत चल रही है, तो उनको फाइनल कर देना चाहिए। समय भी अनुकूल है, इसलिए हम ये बात करें। और आपका जो प्यार है उसको भी जीवन भर के ये साथ होने में बदल सकता है। ये इतना अच्छा समय है आपके लिए कि अगर आप किसी के साथ प्यार में हैं या रिलेशनशिप में है, तो आप इसको मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए इससे अच्छा समय और नहीं हो सकता। क्योंकि आपका प्यार जो है वो हमेशा बना रहे, आप उनके लिए, वो आपके लिए, तो उसको आप एक पक्के बंधन में बांध सकते हैं। और देखिए, इसके अतिरिक्त क्या है कि कोई छुपा हुआ जो आपका कोई विरोधी है, वो आपको कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश लगाएगा कि आप गलत हैं, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े उसके लिए। तो ऐसे जो भी कोई इस प्रकार का व्यक्ति है, या एक है या एक से अधिक हैं, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है कि भगवान भी उन्हीं की ही मदद करते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपनी मदद करता है, या जो लोग अपनी स्वयं की मदद करते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उपाय आप करें, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए सफेद वस्त्र अधिक पहने। शुभ अंक आपके लिए है 4 और शुभ रंग आपके लिए है नीला। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, उम्र दराज लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की काफी जरूरत है आज के दिन। और देखिए, ऑर्नामेंट्स, एंटीक्स, इनमें भी अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन चीजों के खरीदारी में, तो यह भी आपके लिए काफी प्रॉस्पर साबित हो सकता है। परिवार की शांति अचानक आई समस्याओं की वजह से भंग हो सकती है, लेकिन ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय आपके लिए ये सारी चीजें जो बिगड़ी हुई हैं उनको ठीक कर देगा ग्रेजुअली। वक्त का तकाजा ये भी रहेगा कि शांति से परेशानियों का सामना किया जाए। एक तरफा लगाव आपकी खुशियों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। आज आपका किसी के साथ कुछ विवाद बढ़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस बात को लेकर सचेत भी रहना है। और यह विवाद कुछ इस प्रकार से बढ़ सकता है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है उससे संबंधित होगा, और ये इसके जो दूरगामी रिजल्ट्स होंगे आने वाले समय में, वो आपके लिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है, कोई वाद विवाद इस तरीके का ना हो, इससे बचें आप। और जो आपके छुपे हुए विरोधी हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, वे आपके बारे में आपको गलत साबित करने के लिए कुछ, मतलब अफवाह फैला सकते हैं, कुछ गलत प्रचार कर सकते हैं आपके लिए, ताकि आप कोई वो साबित कर सकें कि आप गलत हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप अलर्ट रहें, सावधान रहें। उपाय आप करें, किसी अपाहिक व्यक्ति की सेवा करें, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए है 9 और शुभ रंग बनता है आपके लिए आज पीला। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, खुद को उत्साही बनाए रखने के लिए आपको अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर अगर आप बनाते हैं तो इससे आपका उत्साह भी बढ़ेगा और आप प्रसन्न रहेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सोर्स के थ्रू इनकम होगी, एक से अधिक नहीं हो सकती है, इसके संभावना नहीं है। और जिनको आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करने के लिए दिन आज का काफी
अच्छा है आपके लिए। और अपने प्रिय की खामियों को ढूंढने में आप समय बर्बाद ना करें, आज हो सकता है फायदा आपको, बशर्ते आप अपनी भली भांति बात दूसरों के सामने रखें। एक तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। और इसके अलावा काम में लगन आपकी और काम के प्रति आपका उत्साह, यह भी बहुत जरूरी है, यह भी बने रहना चाहिए। सफर अगर कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सफर के लिहाज से आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। उपाय आप करें, ये इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ये मंत्र है, इसकी आप एक माला जरूर करें कम से कम प्रातःकाल। शुभ अंक आपके लिए है आज 5 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज गुलाबी। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, दूसरों की आलोचना में देखिए समय अपना व्यर्थ ना करें, समय ना गवाएं। पहली बात तो किसी की आलोचना करना सही बात है ही नहीं, किसी भी हद तक। अगर हम किसी की भी आलोचना करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हमको पसंद है या नहीं है, तो इससे हम कहीं ना कहीं हम अपने विषय में दूसरों को बता रहे होते हैं कि हमारी क्या सोच है, जो कि अच्छा नहीं है। किसी भी लिहाज से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और इन चीजों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव आपके स्वयं के ऊपर भी आता है। उस समय तो महसूस नहीं होता है, बाद में उन चीजों का इफेक्ट जरूर आता है किसी ना किसी रूप में। आज के दिन आपको आर्थिक परेशानियों का भी थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है। यह भी मुमकिन है कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर लें धन का, और फिर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो डावाडोल हो जाए। ऐसे मामलों में सावधानी की कमी आपको नुकसान पहुंचाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने घर के माहौल में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस लाने की भी जरूरत है। वैसे तो रोमांचक दिन रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके प्रिया का फोन आज आपको आ सकता है या उनकी तरफ से कोई मैसेज आपको मिल सकता है अच्छा, जिससे आपका दिल खुश हो जाए। और अपने साथी पर किया हुआ संदेह किसी भी प्रकार का, यह आपके लिए एक बड़ी स्वयं के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और अंत में ये कहेंगे कि अपना समय इधर उधर की बातों में, गप्पों में, अफवाहों को फैलाने में ना नष्ट करें। अब समय बहुत कीमती होता है, इसका सदुपयोग करना सीखें, अपने ज्ञान में वृद्धि करें जहां तक हो। उपाय, स्त्रियों को सफेद वस्त्र दान करने से आपकी जो धन की स्थिति है वो काफी मजबूत होगी। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 3 और शुभ रंग आपके लिए है आज भूरा। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, देखिए पल भर का जो क्रोध होता है ना, गुस्सा, ये भी स्वयं अपने लिए भी हानिकारक होता है और वातावरण को भी ये दूषित करता है। तो इस प्रकार की दुर्भावना जब भी व्यक्ति के मन में आती है, क्रोध सामने निकल करके आता है, तो हमें इस प्रकार की दुर्भावना से बचना है, यानी कि आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनको। और अगर आप आय में वृद्धि के लिए कुछ खोजबीन कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आपकी इनकम बढ़े, तो आप सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में अपने पैसे का निवेश करें। सुरक्षित आर्थिक परियोजना मतलब कि जो पूर्ण रूप से सिक्योर हो, सेफ हो, ऐसी जगहों पर अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें जहां से आपको लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। देखिए विवाद और मतभेदों के चलते घर में कुछ तनाव का वातावरण बनना बन सकता है, यह आपको झेलना पड़ सकता है। और काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को भी कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, तो जहां तक हो सके अगर आप अपने कुछ बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आप फोन कर सकें या कोई मैसेज कर सकें, तो ये आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए एक पॉजिटिव, मैं तो कहूंगा कि ये एक्शन होगा। दूसरों को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य आप बिल्कुल ना करें जो आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगता। अब आप कोई कार्य स्वयं तो करना नहीं चाहते क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरे से आप एक्सपेक्ट करते हैं,
तो ये तो इनजस्टिस हो गया, ऐसा ना करें। उपाय क्या करना है, केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर घर से निकलने से पहले लगा करके निकलें। इससे आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी, कायम रहेगी। शुभ अंक आपके लिए है आज 2, शुभ रंग आपके लिए बनता है आज ग्रे। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन बताना चाहते हैं कि गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडीज जो है, वेमेन, उनके लिए कुछ आज का दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस लेने का है। आपको हर तरीके से जितना भी संभव हो प्रिकॉशंस रखनी है। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक जो आपकी सोचने की कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, ये आपको मानना होगा। और मित्रों की परेशानियां और तनाव के चलते आप भी कुछ अच्छा महसूस नहीं करेंगे। जब किसी का कोई अच्छा मित्र थोड़ा बहुत परेशानी में हो तो स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसी स्थिति कुछ आपकी आज बन सकती है। आपके जो मित्र हैं आपको तारीफ आपकी करेंगे, आपसे बहुत, आपकी मित्रता को लेकर के वो बहुत, एक तरीके से उनको गर्व है आपकी मित्रता पर, उसके लिए वो आपके बहुत दिल से बहुत इसके शुक्रगुजार भी हैं और आपकी दोस्ती के कायल हैं, क्योंकि आप बहुत कठिन काम पूरा करने में आज कामयाब होने वाले हैं अपने मित्रों की ही सहायता से। कहीं ना कहीं उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होने जा रहा है। और जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से ना लेने के कारण घर में मामूली तनाव पैदा हो सकता है। आज के दिन शुरू किया गया किसी भी प्रकार का निर्माण का कार्य जो आप करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, उससे आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है और वो कार्य भी सही तरीके से पूरा आप कर पाएंगे या करवा पाएंगे। उपाय आप करें लव लाइफ को और अधिक बेहतर बनाने के लिए, गुलाब के फूलों का एक गुलदस्ता तांबे के जार में आप अपने घर में रखिए, देना नहीं है किसी को या अपने साथी को, आपने अपने घर में रखना है तांबे के जार में। शुभ अंक आपके लिए है आज 7 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज मैरून। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, देखिए आपको लंबे समय से आप कुछ थकान महसूस कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि जरूरत से ज्यादा अपने आप को, स्वयं को अब कार्यों में इन्वॉल्व रखना, बिजी रखना, उसी के कारण आपको थकान है। लेकिन आपको चाहिए कि आपको बीच में समय निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल में से शरीर को आराम देना चाहिए और थकान को दूर करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि अगर आपकी थकान दूर होगी तो आप एक तरीके से रिफ्रेश फील करेंगे और आगे जितने भी और कार्य हैं आपके जो करने हैं आपको, वो आप बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। और आपको थोड़ा सा, जैसा भी मैं बात कर रहा हूँ थकान वगैरह की, एक तो आपको थोड़ा सा ना अपने लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा सा चेंजेज लाने की आवश्यकता है। जैसे कि अपना सो करके उठना, रात को सोना, अपना एक शेड्यूल बना लें और समय पर खाना, समय पर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें, अपना एक लाइफ स्टाइल थोड़ा सा जरा सही करें आप। थोड़ा जीवन शैली भी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, किस कारण से है ये आप बेहतर जानते हैं। अपने नजरियों को दूसरों पर बिल्कुल नहीं थोपना है आपने। विवादों से बचने के लिए दूसरों की बातों को आपने बहुत गौर से सुनना है, इग्नोर नहीं करना, और सामने वाले को ये एहसास नहीं कराना, ये रियलाइज नहीं कराना है कि भाई मैं, तुम बोली जाओ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा फील नहीं कराना है आपने सामने वाले को या सामने वालों को। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण लेकर के आएगा आपके, और भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाने वाला है। उपाय आप करें, जौ के आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को खिलाएं। ऐसा होने से आप ये उपाय अगर करेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा। शुभ अंक आपके लिए है आज 6 और शुभ रंग आपके लिए है आज आसमानी। धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस साइन, सबसे पहले तो साथियों आपसे बताना चाहते हैं कि अपनी सेहत का संभाल रखना, सेहत का ध्यान रखना
आपके लिए बहुत आवश्यक है आज के दिन। और आज सफलता का मंत्र यही है कि उन लोगों की सलाह पर आप पैसे लगाएं जो अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज है इन चीजों की, वहीं पर और उन्हीं से विचार करके, उनको कंसल्ट करके ही आप अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करें। देखिए, आपके मित्र और जीवन साथी आराम या खुशी आपको देने वाले हैं, उनके द्वारा आपको ये एक तरीके से खुशी प्राप्त होगी, प्रसन्नता मिलेगी, वरना तो बाकी दिन उबाऊ और नीरस ही गुजरने की संभावना रखती है। विवादित मुद्दों को उठाने से बचना है और विवादित जितने भी ऐसे मामले हैं उनसे दूर ही रहना ठीक रहेगा आपके लिए। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं अपने किसी साथी के साथ, तो आज आपका आपस में कुछ किसी बात को लेकर के कुछ विवाद भी हो सकता है, इसकी भी अधिक संभावना है, और कुछ इस प्रकार के ग्रहों की ओर से संकेत है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी कुछ नकारात्मकता देखने को मिलेगी। आपका जो चुंबकीय और जिंदा दिल व्यक्तित्व है वो आपको सबके आकर्षण का केंद्र बनाएगा, बाकी जो लोग हैं वो आपके व्यक्तित्व, जो जिंदा दिल व्यक्तित्व है आपका, उसके कायल होंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। उपाय आप करें, रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके निजी जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। शुभ अंक आपके लिए आज 9 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज संतरी। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, साथियों पेचीदा हालात में फंसने पर आपने घबराना नहीं है। अगर सिचुएशन थोड़ी टफ है तो आपको उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना। जिस प्रकार खाने में थोड़ा सा तीखापन अगर आ जाए तो वो खाने की जो टेस्ट है उसको और बढ़ा देता है, उसी प्रकार ऐसी परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत बताती हैं। अपना मूड चेंज करने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में आप, यानी कि किसी सोशल इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की कुछ अधिक जरूरत रहेगी आज के दिन आपको। आपको अपना जो बचा कुचा समय है वो अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, और उन प्रॉब्लम्स को भी दूर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। चाहे इसके लिए आपको कुछ विशेष तौर पे ही क्यों ना कुछ करना पड़ जाए। हालांकि संभव तो यह भी है कि कोई आपसे अपने प्यार का आज इजहार कर सकता है, इस बात की भी संभावना है। काम को मनोरंजन के साथ बिल्कुल ना जोड़ें, काम काम की जगह है, मनोरंजन मनोरंजन की जगह पर है, और अपनी खासियत और भविष्य की योजनाओं पर आपको एक बार उनको रिव्यू करने की आवश्यकता है, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर के लोहे के बर्तन में जल, चीनी और घी एवं दूध मिला लें और फिर उसको पीपल के पेड़ के जड़ में आप उसको चढ़ाएं। ये ऐसा उपाय करने से आपकी धन की स्थिति ये मजबूत करेगा ये उपाय। शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 1 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज हरा। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन, अब चूंकि यात्रा के लिहाज से आप अभी थोड़ा सा अपने आप को फिट नहीं महसूस करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स ऐसी रहेंगी, ऐसा फील करेंगे कि भाई यात्रा मैं करूंगा तो कुछ अधिक थक जाऊंगा, या मैं कुछ शारीरिक तौर पर मुझे थोड़ा वीकनेस आ जाएगी और अधिक, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा, इसलिए लंबी यात्राओं को आप ना करें। अगर ऐसी कोई प्लानिंग बन रही है तो फिलहाल कुछ समय के लिए उसको टाल दें। आज आप आसानी से पैसा अपने लिए अरेंज कर पाएंगे, लोगों के दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, जो कर्ज दिए हुए हैं आपने लोगों को वो पैसा आज आपको वापस मिल सकता है, या फिर किसी नई परियोजना पर अगर आपको धन लगाने की आवश्यकता है तो उसके लिए भी अरेंजमेंट आपको इजीली हो जाएगा। ऑफिस का जो भी तनावपूर्ण
माहौल है, किसी भी वश, किसी भी मतलब कारणवश, उसको आप घर पर लेकर के ना आए उस तनाव को, क्योंकि जो घर का एक अच्छा माहौल है वो भी फिर तनावपूर्ण हो जाएगा और वो ना आपके लिए अच्छा रहेगा ना परिवार के लिए। तो अच्छा यही रहेगा, बेहतर यही होगा कि आपका जो मतलब परेशानियां हैं उनको आप अपने ऑफिस में ही, कार्यस्थल में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, घर पर पारिवारिक जीवन का पूरा आनंद लें। आपके जीवन साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ रह सकता है और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपके आसपास के लोग आप दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे। इस बात का आप बहुत विशेष ध्यान रखिए। अतः बाहरी लोगों के कहने पर, उनकी बातों में आकर के कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच किसी प्रकार का तनाव पैदा हो। और ऐसा भी किसी की आपने राय नहीं माननी, सलाह नहीं माननी किसी बाहरी व्यक्ति की जो आपको किसी गलत राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा हो, आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा हो, तो आपको वहां से इस बात का भी बहुत आज ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती हैं। इनसे आप इन ऐसी चीजों से, ऐसे जो लोग आपको मिसगाइड करते हैं या आपको कुछ गलत उकसाते हैं, तो इनसे आपका ही नुकसान है। तो आप ऐसा किसी की बातों में ना आए। उपाय आप करें आर्थिक स्थिति को बेहतर रखने के लिए, आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र और गायत्री चालीसा का पाठ जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए है 8 आज, और शुभ रंग आपके लिए बनता है सफेद। अंत में मीन राशि यानी कि पाइसिस साइन। तो सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे साथियों कि वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा हो सकती है कोई दुर्घटना। विशेष तौर पर जहां पर यू टर्न वगैरह लेने हैं या फिर किसी चौराहे आदि पर बहुत संभल करके आप वाहन चलाएं। देखिए, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी स्टेबल है, मजबूत है, और उसी के कारण कुछ अगर कुछ महंगी चीजों की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। करीबी पारिवारिक सदस्य आपको झुंझलाहट और जलन का अनुभव करा सकते हैं। बहस या झगड़े में उलझने के बजाय आप चीजों को धैर्यपूर्वक शांति के साथ सुलझाने की कोशिश करें। आपके लिए अपने प्रिय से दूर रहना काफी मुश्किल भरा रह सकता है। आपके पास आज अपनी क्षमताओं को, जो भी आपके पास टैलेंट है, दूसरों को शो करने के लिए बहुत अच्छा, दूसरों के सामने शो करने के लिए बहुत अच्छा समय है आज का, आपको मौका मिल सकता है। और उपाय आप ये करें, बागवानी जैसे अपने शौक पूरा करने के लिए, घर में बहुत लोग क्यारियां बनाते हैं और छोटे मोटे गार्डन बना लेते हैं, तो वहां पर अपना समय लगाते हैं वो क्यारियों को मेंटेन करने के लिए, बागवानी करते हैं, तो आप उनको शौकों को पूरा, ये हम उपाय की बात कर रहे हैं, तो आप बागवानी जैसे अपने शौक पूरा करने के लिए अपने घर में हरे रंग की बोतल या गमले में मनी प्लांट जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए है आज 7 और शुभ रंग आपके लिए बनता है आज स्लेटी। मेरे प्रिय साथियों, अंत में अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी प्रिय साथियों से अब हम इजाजत लेंगे और अपनी वाणी पर भी हम विराम लगाएंगे, और समय आ गया है आप सभी से इजाजत लेने का। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।